24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं तनु तिवारी। आई रुक करते हैं झारखंड के खास खबर की ओर। जमशेदपुर में हूल दिवस के अवसर पर आम से लेकर खास लोगों ने सिद्धू कान्हू को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा वीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी एवं क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य श्रीमती पूर्णिमा मलिक के साथ साथ सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक वो तमाम समर्थक मिलकर श्रद्धांजलि दिए। वहीं इसके उपरांत सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा क्षेत्र के गरीब महिलाओं के बीच 500 महिलाओं के बीच साड़ी वितरण की गई। वहीं संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी क्षेत्र की महिलाओं को साड़ी वितरित किया गया। उन्होंने हूल दिवस पर सभी नौजवान को एक संकल्प लेने की जरूरत है, कहा है कि बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हूल दिवस था सेवा ही लक्ष्य के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया गया। इस वर्ष क्या कुछ किया गया, किस तरह से मानव सेवा से? आज सेवा ही लक्ष्य संस्था के माध्यम से हूल दिवस के अवसर पर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री मंगल कालिंदी एवं क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य श्रीमती पूर्णिमा मल्लिक जी के तत्वधान पर और सेवा ही लक्ष्य संस्था के तमाम सदस्यों के साथ सर्वप्रथम वीर शहीद सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए एवं उसके बाद क्षेत्र के जरूरतमंद महिलाओं के बीच 500 महिलाओं के बीच हर साल की भांति इस साल भी सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा साड़ी का वितरण किया गया एवं प्रेस के माध्यम से सभी युवा साथी से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वीर शहीद सिद्धू कान्हू जी ने लड़ाई का बिगुल फूका था, उसी तरह सभी नौजवान को पूरे भारतवर्ष में एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ एक लड़ाई बहुत ही जरूरी है, जिससे हमारा भारत संपन्न हो, एक विकसित भारत के नाम से जाना जाए, उसके खिलाफ एक हम लोग लड़ाई लड़ने की आह्वान करते हैं। मानिक मल्लिक, सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष। फिलहाल इस खबर में इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें GBN 24 न्यूज।